Opinions and stories around the game we love, told by your favorite storytellers. Stay up to date with all things cricket. Subscribe to CricBuzz's YouTube channel and press that bell icon now. Ashish, series done and dusted. एक rapid fire खेल लेते हैं, क्या कहते हैं? तैयार? Rapid सवाल? चलिए जी भाई, rapid सवाल, rapid जवाब. सबसे बेहतरीन spell कौन सा लगा आपको इस पूरी श्रृंखला? ओह, मुश्किल, पर फिर भी मैं कहूंगा मार्को जैनसन पूरी श्रृंखला, क्योंकि नए गेंदबाज, जी हाँ, कंडीशन गेंदबाजों के लिए फेवरेबल रही है, पर बाकी और जो गेंदबाज आप देखेंगे उनके पास एक्सपीरियंस है, बुमराह, शामी, रबाडा, मार्को जैनसन किसी भी एंगल से उनसे पीछे नहीं रहे हैं, कंधे से कंधा मिला के चले हैं और साउथ अफ्रीका इस जीत में उनका भी बहुत बड़ा योगदान. मार्को जैनसन टॉप स्पेल, टॉप नॉक किसको देंगे आप? कीगन पीटरसन, ऋषभ पंत का कमाल का शतक, केएल राहुल का कमाल का शतक, डीन एल्गर ने कमाल का टेस्ट मैच जिताया, पर जिस तरीके से इस टेस्ट मैच में, इस पूरी श्रृंखला में, और खासतौर पर मैं इस टेस्ट मैच में कहूंगा कीगन पीटरसन ने जो बल्लेबाजी करी, काबिले तारीफ, मेरे लिए कीगन पीटरसन. 154 रन बनाए उन्होंने इस श्रृंखला में और बेहतरीन बल्लेबाजी करी है पूरी श्रृंखला साउथ अफ्रीका के लिए, सर्वश्रेष्ठ रन स्कोरर भी हैं. अब एक खिलाड़ी जिससे उनकी टीम ने ना ज्यादा एक्सपेक्ट करा होगा, जितना उन्होंने श्रृंखला में करा उससे कहीं ज्यादा, विराट कोहली खुद अपने आप से, क्योंकि जब आप बात करते हैं, एक टेस्ट मैच उन्होंने मिस जरूर किया है और एक बहुत बढ़िया पारी खेल के गए हैं, पर जो अगर विराट कोहली जिस तरीके के खिलाड़ी हैं वो अपने आप से बिल्कुल हताश होंगे, केवल एज ए कैप्टन नहीं, अपने आप एज ए प्लेयर भी, क्योंकि कल भी अगर आप देखें जिस तरीके से जो डिसमिसल हुआ जब आउट होके गए, बहुत आपको बहुत 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 मेहनत करी, बहुत टाइट खेले, पर एक बार फिर जिस कारण जिस तरीके से आउट हुए, क्योंकि देखिए उसी तरीके से आप आउट हुए, जब एक ही गलती जब बार बार हो जाए ना तो फिर वो दिक्कत होती है, जो हम कल भी चर्चा कर रहे थे ना कि एमएस धोनी, आप एक उदाहरण दे रहे थे, उन्होंने ऋषभ पंत को कहा कि हर गलती जल्दी जल्दी नहीं होनी चाहिए, 6-7-8 महीने का गैप होना चाहिए, पर यहाँ पर अगर आप पिछले कुछ समय से देखेंगे उसी प्रकार विराट कोहली आउट हो रहे हैं. जी हाँ, रन भी उन्होंने बहुत बटोरे हैं कवर ड्राइव पे, पर कहीं ना कहीं अब इस समय गेंदबाजों ने उन्हें फंसाया हुआ है और अपने प्रदर्शन से वो बिल्कुल ना, बिल्कुल तरीका फाइंड आउट कर लिया गेंदबाजों ने उनको आउट करने का. लेकिन कौन रहा फाइंड ऑफ द सीरीज, आशीष, कौन सा एक खिलाड़ी जो अपनी टीम के लिए फाइंड रहा है इस सीरीज में? ओ, ये मैं कहूंगा आपने अभी तक जितने भी रैपिड फायर हैं उसमें सबसे मुश्किल है, क्योंकि मेरे जहन में दो नाम आते हैं, मार्को जैनसन और केगन पीटरसन, तो इन दो में से आप इसी को भी चुन, दोनों को दे देते हैं. बेहतरीन साझेदारी रही है उन दोनों की, एक बल्ले से एक गेंद से, जिस तरीके से साउथ अफ्रीका के लिए 4 चांद लगाए उन्होंने जाने से पहले. आखिरी मैन ऑफ द सीरीज कौन है आपके? मैन ऑफ द सीरीज मैं इन कंडीशंस और सब कुछ देखते हुए मैं बोलूंगा कीगन पीटरसन. कीगन पीटरसन, बिल्कुल, जिस तरीके से बल्लेबाजी आसान नहीं थी और शायद वही दोनों टीमों के बीच सबसे बड़ा डिफरेंशिएटर भी रहा, जिस तरीके से मिडिल ऑर्डर ने साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी करी वो बेहतर होते गए, भारतीय मिडिल ऑर्डर से और उम्मीदें रही उन्होंने.